आत्मा स्वयं को साक्षी होकर एक नन्हे से बालक के रूप में देख रही हूँ। मैं नन्हा बालक बगीचे में खेल रहा हूँ। रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रहा हूँ। वो तितलियाँ फूलों पर मंडरा रही है और मैं उनके आगे हाथ कर खड़ा रहता हूँ, बिल्कुल शांति से। और एक तितली मेरे हाथ पर बैठ रही है। मैं बहुत शांति से खड़ा हूँ। वो मेरे हाथ पर बैठी, बड़ा मजा आ रहा है। अब मैं हल्की सी फूंक मार रहा हूँ, जैसे हवा का झोंका हो, और वो उड़ रही है। मैं शांति से उसे देख रहा हूँ। वो एक फाउंटेन के पास जा रही है। ठंडे पानी के फवारे उड़ रहे हैं। वो दूर चली गई। मेरी नजर आसमान में जाती है, जैसे वो चमकीली ज्ञान सूर्य की किरणें मुझे स्वच्छ कर रही है। मैं स्वयं को चमकता हुआ ज्ञान सूर्य, तेजस्वी आत्मा के रूप में देख रही हूं। मैं स्वयं को मास्टर ज्ञान सूर्य के रूप में देख रही हूं और आसमान की ओर से एक चमकता हुआ दिव्य सितारा शिव बाबा ब्रह्मा बाप की मुकुटी में विराजमान हो रहे हैं और वो मुझे इशारा कर रहे हैं, आओ बच्चे, बाबा की गोदी में बैठो। मैं दौड़ता हुआ बाबा की गोदी में बैठ गया, जैसे वो प्यार का सागर छलक रहा है। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। बहुत शीतलता का अनुभव हो रहा है। बाबा के हाथ में सुंदर मोर पंख की कलम है और बाबा मेरी मस्तक पर कलम से मेरा भाग्य लिख रहे हैं। बालक सो मालिक बाबा। जैसे बाबा ने लिखा, मैं स्वयं को सुवर्ण युग में एक सुंदर रत्न जड़ित गेट के सामने देख रहा हूं। मेरे पहुंचते ही वह गेट खुल गया और चमकीले महल दिखाई दे रहे हैं। महलों के चारों तरफ बगीचे हैं और बीच में एक सुंदर रास्ता है। महलों के पीछे सुंदर पहाड़ी दिखाई दे रही है और उन पहाड़ों से एक सुंदर झरना दूध के रंग का पहाड़ से जैसे नीचे कूद रहा है, तो उसकी आवाज जैसे कोई सुंदर बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है और उनका साथ दे रहे हैं
प्यारे पंछी, उन पंछियों की तान, कहीं ठंडी हवा से पेड़ के पत्ते सुंदर सुर में डोल रहे हैं। ये नेचुरल म्यूजिक कितना प्यारा है, मैं तो देखता ही रह गया, महसूस कर रहा हूँ इस मंगल गीत को। झरनों की झरझर, पंछियों की कलकल, हवाओं की सरसर, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। और कहीं दूर से कोई सुंदर आलाप सुनाई दे रहे हैं, मेरे कदम उस ओर बढ़ रहे हैं। ये मैं क्या देखता हूँ, कितना सुंदर नजारा है, कई देवी देवताएं, एक ताल में सब साथ मिलकर गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। उनकी चारों ओर फुलवारी महक रही है, हवाएं उस खुशबू को मुझ तक खींच कर ला रही है। उन फूलों की कई पंखुड़ियां हवाओं से उड़कर एक सुंदर पथ का निर्माण कर रही है, जो मुझ तक आ पहुंचता है। आगे क्या हो रहा है, मैं बस देख रही हूं। उन फूलों के रास्ते से एक एक सुंदर देवता मेरे पास चलकर आ रही है, और मैं बस उनका देवताई रंग रूप, पवित्रता, सादगी, उनकी सुंदरता, आकर्षण, वो कशिश देख रहा हूँ, और मैं भी उनकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ, और वो मेरी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आते आते वो मेरे अंदर समा गए, बहुत निराला अनुभव है ये, जैसे प्रचंड शीतल ऊर्जा मेरे अंदर समा गई। मैं संपूर्ण पवित्र देवता सामने देख रहा हूं, और सामने से एक के बाद एक देवता मेरी ओर आ रही है और मुझ में समाती जा रही है। ये कैसा अनुभव है, मैं स्वयं को बहुत शुद्ध, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रकृति जीत, विश्व महाराजन, मैं स्वयं का ये रूप देखकर अति प्रसन्न हूं। अब उन फूलों के रास्ते के दोनों तरफ दास दासियां खड़ी है, और मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ से फूलों की वर्षा हो रही है, अनेक देवताएं भी खड़े हैं, और कानों में कुछ आवाजें सुनाई दे रही है।
मेरी जय जयकार हो रही है। ऊपर से भी पुष्पक विमानों से फूलों की वर्षा हो रही है। मैं अनेक प्रजाजन दास दासियों को अपने हाथों से दान कर रहा हूं। अब पुष्पक विमान में बैठ अपने विशाल राज्य की सैर कर रहा हूं। सारी प्रजा मुझे देखकर खुश हो रही है, प्यार से नमन कर रही है और मैं सभी को दान देता जा रहा हूं, अशर्फिया बांट रहा हूं। यह मेरा मालिक स्वरूप बहुत श्रेष्ठ है। ओम शांति।